अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, ब्रिटिश हिस्ट्री की आउटलाइन हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट ब्रिटेन एंड कोल्ड वार पार्ट टू में। ये हमारा सेकंड टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ द कॉमन वेल्थ, नेटो, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंटरनल पॉलिसीज एंड ईसी, देन फॉरेन पॉलिसी। कॉमनवेल्थ का क्याम कब आया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का बुनियादी मकसद क्या था, हम इसको इसमें देखेंगे। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जदीद कॉमनवेल्थ कब बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुई थी, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ ने अपने सबका जो कॉलोनियाँ थी उनके साथ बरतानिया के रवाबित बरकरार रखने में किस तरह से मदद की। सो इस पॉइंट के अंदर मुझे अहम क्वेश्चन है जो कि राइज हो सकते हैं। सो इसके अलावा दूसरा टॉपिक है जो हमारा नेटो का, यानी कि शुमाली ओकियानूस का मायदा। तो 1949 में नेटो के क्याम का बुनियादी मकसद क्या था, 1949 में नेटो के क्याम के यानी कौन से बुनियादी मकासद थे, और इसके अलावा नेटो के आर्टिकल 5 में कौन सा असूल वजह किया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि नेटो ने वारसाए मायदे के मुकाबले में किस तरह से काम किया था, और जो कि थर्ड हमारा पॉइंट है डिकोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसमें हम स्टडी करेंगे कि बरतानवी जो सल्तनत के कॉलोनियों का खात्मा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी सल्तनत के जो कॉलोनियाँ थी उनके खात्मे के लिए कौन से अवामिल जिम्मेदार थे। इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का आगाज कौन सा अहम वाक़िया था। दो इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि जो दाखिली पॉलिसियाँ और यूरोपी इक्तसादी कम्युनिटी के यानी के पॉइंट में कि बरतानिया जो ईसी है इसमें शामिल होने में इब्तदा में हिचकिचाहट क्यों वो महसूस करता था, और दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया को किन इक्तसादी चैलेंजेस का सामना था। इसके अलावा इसमें यह क्वेश्चन हो सकता है कि बरतानिया ने ईसी में कब शमूलियत इख्तियार की थी। फिर है यानी सादे जंग के दौरान खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बरतानिया और अमेरिका के दरमियान जो कि खास ताल्लुक था की अहमियत के ऊपर ये थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि 1956 में जो कि सोइस बहरान था उसका क्या नतीजा निकला था। देन वी विल डिस्कस मलेशिया एमरजेंसी में बरतानिया की शमूलियत ने किस तरह उसकी सादे जंग की पॉलिसियों को जाहिर किया। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि बरतानिया ने अपनी सल्तनत के जवाल के बाद अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह से ढाला। सो ग्रेट ब्रिटेन एंड अ कोल्ड वार, द क्रिएशन ऑफ द कॉमनवेल्थ, इसका बैकग्राउंड क्या है। द ब्रिटिश एम्पायर विच वन स्पेंड लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिगेन टू डिसॉल्व आफ्टर वर्ल्ड वार टू। हाउएवर ब्रिटेन सॉट टू मेंटेन अ कनेक्शन विद इट्स फॉर्मर कॉलोनीज बाय फॉर्मिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस। तो बैकग्राउंड इसका क्या है कि बरतानवी सल्तनत जो कभी दुनिया के बड़े हिस्से में फैली हुई थी, दूसरी जंग जो आलमी जंग थी उसके बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन बरतानिया ने जो बरतानिया का सबका नौआबादियाँ थी उनके साथ ताल्लुकात यानी बरकरार रखने की कोशिश की उन्होंने, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का क्याम अमल में आया। देन ट्रांजिशन फ्रॉम एम्पायर टू कॉमनवेल्थ, फिर ट्रांजिशन हुई यानी दूसरी जंग आलमी जंग के बाद सल्तनत से कॉमनवेल्थ की तरफ मुंतकिली हुई, और इस जंग के बाद बरतानवी नौआबादियों में से कई यानी कि ऐसे जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है और कैरेबियन है, ये आज़ाद हो गए, और बरतानिया ने इन नए आज़ाद ममालिक को कॉमनवेल्थ में शामिल होने की तरगीब दी जो कि खुद मुख्तार रियासतों की एक रजाकाराना तंजीम है। और उसके बाद इसकी फार्मेशन कैसे हुई कि जो जदीद कॉमनवेल्थ था इसने 1949 में लंदन के इलामिये के बाज़ाब्ता तौर पर इसको कायम किया गया था। तो इस बात का इतफाक़ हुआ था कि रुकन ममालिक जम्हूरिया या अपने अपने बादशाहों के साथ हो सकते हैं, लेकिन बरतानवी बादशाह को कॉमनवेल्थ का अलामती सरबरा तस्लीम किया जाएगा। तो उसके बाद इसके हम पर्पस डिस्कस करते हैं कि पर्पस का क्या था। द कॉमनवेल्थ एम टू प्रमोट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। कॉमनवेल्थ का मकसद क्या था, जम्हूरियत, इंसानी हकूक, इक्तसादी तरक्की और रुकन ममालिक के दरमियान तावन को फ़रोग देना। सो इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि पाकिस्तान, इंडिया और बहुत से अफ्रीकी ममालिक ने कॉमनवेल्थ में शमूलियत इख्तियार की। सो इट अलाउ टू ब्रिटेन मेंटेन पॉजिटिव रिलेशंस विद इट्स फार्मर कॉलोनीज विद डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी बरतानिया को अपने जो सबका नौआबादियाँ थी उनके साथ जो मस्बत तलुकात थे वो बरकरार रखने की इजाज़त देता था बगैर किसी बरह रास्त सियासी कंट्रोल के।
और दूसरा हमारा पॉइंट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एनए नेटो, और नेटो का आगाज हम डिस्कस करते हैं कि नेटो का कब आगाज हुआ था। तो दूसरी जो इसका ओरिजिन है, जो इसका असूल है, दूसरी आलमी जंग के बाद मगरबी इतिहादियों जिनकी क्यादत अमेरिका और बरतानिया कर रहे थे, तो सोवियत इतिहाद के दरमियान जो तनाव था वो बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से हिफाजती फौजी इतिहादों की तश्कील हुई थी। देन क्रिएशन ऑफ द नेटो इन 1949, द ब्रिटेन अलोंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन नेटो। सो द गोल वाज टू क्रिएट अ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट एनी पॉसिबल सोवियत एग्रेशन। सो 1949 में बरतानिया, अमेरिका और नेटो, कैनेडा और बाकी यानी मगरबी यूरोप मालिक ने शुमाली यानी कि ये कायम किया था, जिसमें नेटो जो यानी अटलांटिक मुहिदा तंजीम का मकसद जो था वो किसी भी मुमकिन सोवियत जहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई मुहिदा बनाना था, और मुश्तरका जो दिफा था उनका कलेक्टिव डिफेंस था, उसका प्रिंसिपल क्या था कि नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक रुकन जो है वो मुल्क के ऊपर हमला तमाम ममालिक के ऊपर हमला समझा जाएगा जो बामी दिफा की जमानत देता है। फिर बरतानिया का क्या किरदार था कि बरतानिया नेटो का एक अहम बानी रुकन था और इसे इतिहाद में अहम किरदार अदा उसने किया था, तो इसने अमरीकी फौजी अड्डे रखे और सार्द जंग के दौरान मगरबी यूरोप के दिफा में भी काफी नुमाया हिस्सा डाला। Then importance in the Cold War, NATO acted as a counterbalance to the Soviet lead Warsaw Pact, creating to competing military bloc in Europe and helping to prevent direct conflicts between superpowers through deterrence. So, Britannia ka jo jiske andar yani ke kirdar tha, wo to ek aham rukan tha hi. Aur uske baad dekhte hain ki Sard Jung mein jo iski ahmiyat hai wo kya hai ki NATO ne Soviet ke zair qiyadat jo Warsaw Muahida tha uske muqabla kiya, और इस तरह से जो मुतजाद फौजी ब्लॉक्स थे वो बने और सुपर पावर्स के दरमियान भरास्त तसादुम को रोकने में भी मदद मिली। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डीकोलोनाइजेशन का, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बरतानवी सल्तनत की गैर मुल्कियों की आज़ादी, सल्तनत का खात्मा हुआ, एंड ऑफ एम्पायर। दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानवी सल्तनत जंगी अखराजात और बढ़ते हुए कौमी तहरीकों के बोझ की वजह से अपने नौ आबादियों को आज़ादी देना उसने शुरू कर दी थी, तो इस अमल को गैर मुल्कों की आज़ादी या फिर डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, जो कि 1950-1960 की दहाई में ये तेज़ हो गया। अब इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान वाजे मिसालें हैं। 1947 में ये दोनों कौमें आज़ाद हुई थी, गैर मुल्कों की आज़ादी का एक बड़ा वाकया है 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम, सो जिसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान दो आज़ाद रियासतें बनी थी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है अफ्रीका की, जो कि 1950 और 1960 की दहाई में बरतानिया ने अपने ज़्यादातर अफ्रीकी नौ आबादियों की आज़ादी दी, जिनमें घाना यानी कि 1957, नाइजेरिया इसके अंदर 1960, कीनिया 1963 और इसके अलावा जिम्बाब्वे 1980। सो फैक्टर्स ड्राइविंग डीकोलोनाइजेशन, गैर मुल्कियों की आज़ादी की वजूहत क्या थी? आज़ादी की वजूहत था इक़्तिसादी दबाव, यानी कि दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानिया इक्तसादी मुश्किलात का सामना कर रहा था और वो अपनी सल्तनत को बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखता था। दूसरी उसकी वजह थी नेशनलिज्म, कौमी तहरीकें। तो नौ आबादियों में जो कौमी तहरीकें थी, जैसा कि भारतीय कौमी कांग्रेस और कीनिया में माओ माओ बगावत ने बरतानिया पर आज़ादी का दबाव डाला था। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी था, ये भी एक बड़ी वजह थी, बैन अक्वामी दबाव था बरतानिया के ऊपर। तो अक्वामे मुत्तहिदा और अमेरिका जैसी जो भर्ती हुई ताकतें थी, उन्होंने खुद इरादियत के असूलों की हमायत की थी, और जिसने आबादियाती ताकतों के ऊपर जो गैर मुल्की आज़ादी थी उन दबाव डाला। तो बरतानिया पर क्या असर हुआ? इसके नतीजे में बरतानिया की आलमी जो इन्फ्लुएंस था उसमें कमी आई थी। इसने कामनवेल्थ के जरिए अपने सबका नौ आबादियों के साथ सफारती इक्तिसादी तालुकात बरकरार रखे। और फोर्थ पॉइंट हमारा इंटरनल पॉलिसीज एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी, दाखिली पॉलिसियाँ और यूरोपीय इक्तिसादी कम्युनिटी। तो इक्तिसादी चैलेंजेस क्या थे? जंग के बाद बरतानिया को इक्तिसादी जवाल का सामना था, जिसके अंदर शामिल थे भारी कर्ज और श्रिंकिंग अम्पायर, सुकड़ती हुई सल्तनत। सो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बरतानिया ने अपनी मईशत को जदीद बनाने में और तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। देन इसके अंदर है इनिशियल हेजिटेशन विद ईसी, इसमें जो इब्तदाई हिचकिचाहट थी यानी ईसी में शमूलियत में,
तो यूरोपीय जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है ईसी, और जो 1957 में कायम हुई थी, तो ये 6 यूरोपीय मालिक का एक ग्रुप था जिसका मकसद क्या था कि कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी मुश्तरक मार्केट और इकतसादी तामन बनाना। सो इब्तदाई तौर पर बरतानिया ने ईईसी में शमूलियत से हिचकिचाहट महसूस की क्योंकि उसके कॉमनवेल्थ से ताल्लुकात थे और इसने यकीन दिलाया कि वो यूरोप के बगैर भी आलमी ताकत रह सकता है। फिर है एफर्ट्स टू ज्वाइन, शमूलियत की कोशिशें की गई। बरतानिया ने 1961 और 1968 में ईईसी की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उसकी दरख्वास्तों को फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गोल ने वीटो कर दिया। उसके बाद इनटू द ईसी ब्रिटेन फाइनली ज्वाइन द ईसी 1973 अंडर प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हेथ, सीकिंग टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ द लार्जर यूरोपियन मार्केट। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन ब्रिटेन इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एज इट अलाइन इटसेल्फ मोर क्लोजली विद यूरोप। तो बरतानिया फिर 1973 में ईसी में शामिल हो गया था। उस वक्त वजीर आजम एडवर्ड हेल्थ थे, उनके तहत ये शमूलियत उसने अख्तियार की थी। तो उसका मकसद क्या था कि एक बड़े यूरोपीय मार्केट का हिस्सा बनकर इकतसादी फायदे हासिल किए जाएं। तो बरतानिया की इकतसादी और खारजा पॉलिसी में एक अहम कदम था क्योंकि इसने यूरोप के साथ अपनी रिश्तेदारी को मजीद स्टेबल किया, मजीद मस्तहकम किया। और उसके बाद दाखिल इकतसादी पॉलिसियाँ क्या थी, वेलफेयर स्टेट, जंग के बाद लेबर हुकूमत की पॉलिसियाँ जैसे कि इसके अंदर थी नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, कौमी सेहत सर्विस का क्याम अमल में आया था। तो बरतानवी माशी की तश्कील में ये जारी रही जिसने तकरीबन हर यानी जो शहरी थे या हर शहरी के लिए सेहत की देखभाल और समाजी तहफ़ की सहूलियात फराम की। देन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सनती असलाहत लाई गई 1950 और 1960 की दहाइयों में। हुकूमतों ने सनतों की कौमी जो यानी कि मलकियत थी और सनती तनाजात थे उनके हल के ऊपर तवज्जो दी थी ताकि मईशत को दोबारा तामीर किया जा सके, सर्द जंग से बचा जा सके, मईशत को बेहतर बनाया जा सके। और उसके बाद हमारा पॉइंट था कि फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो सर्द जंग के दौरान खारजा पॉलिसी थी वो किस तरह से बनाई गई थी। तो अमेरिका के साथ खास जो ताल्लुकात थे, स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूएस, सो ब्रिटेन डेवलप्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट नाउन एज द स्पेशल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो दे वर्क टूगेदर टू अपोज द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म एंड सपोर्टेड ईच अदर इन कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज कोरियन वॉर 1952-1953। तो बरतानिया ने सर्द जंग के दौरान अमेरिका के साथ एक करीबी ताल्लुक कायम किया जिसे खास ताल्लुक मतलब के स्पेशल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो दोनों मालिक ने कम्युनिज्म के फैलाव की मुखालफत के लिए मिलकर काम किया और कोरिया की जंग जो कि 1950 से 1953 तक थी, इस तरह के तनाजात में भी एक दूसरे की हमायत की। फिर इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट्स तनाजात में शमूलियत, स्विस बहरान था, क्राइसिस था 1956 में। तो बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर मिस्र के जो कौमी रहनुमा थे जमाल अब्दुल नासिर, उनसे यानी स्विस कनाल के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी। तो द ऑपरेशन वॉज अ फेलियर एंड ब्रिटेन फेस इंटरनेशनल कंडमेंशन पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस हाईलाइटिंग इट्स डिक्लाइनिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो इस तरह से कंडेम किया गया इस को बरतानिया ने फेस किया इंटरनेशनल यानी कंडेम को, मजम्मत को, कि बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर मिस्र के जो कौमी रहनुमा थे जमाल अब्दुल नासिर, उनसे जब कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की तो ये ऑपरेशन नाकाम रहा था और बरतानिया ने बैन अक्वामी मजम्मत का सामना किया, कंडेम का सामना किया, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से, जिसने उसके आलमी असर रसूख में कमी की निशानदेही की थी। उसके बाद मलेशिया की इमरजेंसी थी 1948-1960, कि बरतानिया ने अपने नौआबादी में कम्युनिस्ट बागियों के खिलाफ जंग लड़ी और कामयाबी से जुनूब मशरकी एशिया में कम्युनिज्म का जो फैलाव था उसको रोका। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर पॉलिसी थी, जौहरी पॉलिसी थी, कि बरतानिया ने 1952 में जौहरी हथियार तैयार करने वाला बरतानिया तीसरा मुल्क बन गया था। तो इस तरह से सर्द जंग के दौरान इसने एक आज़ाद जौहरी रोकथाम कायम रखी, लेकिन इसके जो दिफाई हमायत थी उसके लिए अमेरिका पर भी इसने इन्हसार किया। उसके बाद है कि फोकस ऑन यूरोप, यूरोप के ऊपर तवज्जो दी गई 1963 में ईसी में शामिल होने के बाद। बरतानिया की खारजा पॉलिसी ने यूरोपीय ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार रखने पर तवज्जो दी, जबकि जो यूएस है, अमेरिका है और कॉमनवेल्थ है उनके साथ अपने ताल्लुकात का इंतजाम भी बेहतर किया।
सर्द जंग के दौरान बरतानिया ने आलमी सल्तनत से यूरोपी और आलमी सियासत में अहम प्लेयर बनने के चैलेंज का सामना किया। द क्रिएशन ऑफ द कॉमनवेल्थ अलाउड ब्रिटेन टू मेंटेन क्लोज टाइज़ विद इट्स फॉर्मर कॉलोनीज एंड व्हाइल इट्स रोल इन नेटो एंड पार्टिसिपेशन इन द कोल्ड वॉर रिइंफोर्स्ड इट्स पोजीशन एज अ मेजर वेस्टर्न पावर। तो इस तरह नेटो का जो इसके अंदर कॉमनवेल्थ का जो क्याम था वो बरतानिया को अपने सबका आबादियों के साथ करीबी तालुकात बरकरार रखने की इजाज़त देता था, लेकिन जो नेटो था इसमें जो इसका किरदार था और सर्द जंग में शमूलियत ने इस उसे मगरबी ताकत के तौर पर अपनी हसीयत को मुस्तहकम किया। सो गैर मुल्कों की आज़ादी का जो अमल है जो प्रोसेस है यानी इसके रिकोलोनाइजेशन का, तो बरतानिया सल्तनत ने खात्मे की ये अलामत था, लेकिन जो बरतानिया था उसने नए तरीकों से इन्फ्लुएंस को असर रसूख को कायम रखने की कोशिश की, खासतौर पर अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप स्पेशल रिलेशनशिप बनाकर। तो यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी की रुकनियत के जरिए इसने अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की कोशिश की। सो डिस्पाइट फेसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड रिड्यूस्ड ग्लोबल रोल ब्रिटेन रिमेन्ड अ की प्लेयर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इक्तसादी मुश्किल थी, इक्तसादी मुश्किल थी, आलमी किरदार में कमी थी, लेकिन इन तमाम मुश्किल के बावजूद बरतानिया इस दौर में बैन अवी सफारतकारी में अहम प्लेयर रहा। सो हमने डिस्कस किया इसमें यानी कि कॉमनवेल्थ के क्याम को, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का बुनियादी मकसद क्या था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का बुनियादी मकसद था कि सबका बरतानवी कॉलोनियों के साथ कामन को बरकरार रखना, जमहूरियत को, इंसानी हकूक को और इकतसादी तरक्की को फ़रोग देना। कॉमनवेल्थ के ही पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जदीद कॉमनवेल्थ कब बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुआ था। तो ये 1949 में लंदन के ऐलान के जरिए कायम हुआ था और कॉमनवेल्थ ने अपने सबका कॉलोनियों के साथ बरतानिया के रवाबत बरकरार रखने में किस तरह मदद की, इसको भी हमने डिस्कस किया कि कॉमनवेल्थ ने सबका कॉलोनियों को खुद मुख्तार रियासतों के इतिहाद में शामिल करके बरतानिया के साथ मस्बत जो तलुकात थे वो कायम रखने में मदद की। सो जिसके ज़रिए ये ममालिक आज़ाद हसीियत में आपस में तावन और तरक्की कर सकते थे। दूसरा हमारा पॉइंट था नेटो का, तो 1949 में नेटो के क्याम का बुनियादी मकसद क्या था, इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 1949 में नेटो के क्याम का बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन के मुमकिन जारहाना इकदाम के खिलाफ मगरबी ममालिक के दरमियान एक मुश्तरक दिफाई इतिहाद कायम करना था, ठीक है। और इसके अलावा नेटो के आर्टिकल 5 में कौन सा असूल बनाया गया था, नेटो के आर्टिकल 5 में ये असूल वाज़ेह किया गया है कि किसी भी रुकन मुल्क पर हमला, तमाम रुकन मालिकों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और इसके खिलाफ मुश्तरक दिफा किया जाएगा। इसके अलावा वारसा मुआहदे के मुकाबले में नेटो ने किस तरह से काम किया था, तो नेटो ने वारसा मुआहदे के मुकाबले में एक दिफाई इतिहाद की शक्ल में काम किया था जिसने मगरबी ममालिक के लिए तहफ़ुज़ फराहम किया और सोवियत यानी कि ब्लॉक के असरात का मुकाबला किया। तीसरा हमारा पॉइंट था बरतानवी सल्तनत की कॉलोनियों का खात्मा, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द यानी जो कि ब्रिटेन अंपायर थी। तो दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी सल्तनत की कॉलोनियों के खात्मे के लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से अवामिल जिम्मेदार थे, तो दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी सल्तनत की कॉलोनियों के खात्मे के लिए इक्तसादी मुश्किलात थी यानी बरतानिया की मईशत कमज़ोर हो रही थी जिसकी वजह से वो इतनी सारी आबादियों के ऊपर मुख्तलिफ जो यानी कनेक्शन थे उनको ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते थे, तो माली मुश्किलात का शिकार हो रही थी बरतानिया की हुकूमत। कौमी तहरीकें चल पड़ी थी आज़ादी हासिल करने के लिए, बैन अक्वामी दबाव था जैसा कि हमने देखा कि स्टडी किया, हमने डिस्कस किया कि अमेरिका उस वक्त और सोवियत यूनियन उभरती हुई ताकत थी, तो उनकी तरफ से काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा था बरतानिया को। तो इसी वजह से फिर बरतानिया ने जो अपने उनके नौबादियाती थी यानी कि पॉपुलेशन उनको आज़ाद करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का आगाज़ कौन सा अहम वाक़िया था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी का आगाज़ 1947 में हुआ था जब इन बरतानिया ने इन दोनों ममालिक को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि दो अफ्रीकी ममालिक कौन से थे जिन्होंने 1960 की दहाई में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। हमने देखा कि घाना था, उसने 1957 में आज़ादी हासिल की थी और नाइजेरिया था, उसने 1960 में, तो 1960 की दहाई में बरतानिया से उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। फोर्थ पॉइंट हमारा दाखिली पॉलिसी और यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी यानी ईईसी का, तो बरतानिया ईईसी में शामिल होने में इब्तदा में हिचकिचाहट क्यों महसूस करता था। हमने इसको डिस्कस किया है कि बरतानिया ने इब्तदा में ईईसी में शामिल होने में हिचकिचाहट महसूस की क्योंकि वो अपने कॉमनवेल्थ तालुकात को तरजीह देता था और यकीन रखता था कि वो बगैर यूरोप के साथ मुकम्मल इतिहाद के भी आलमी ताकत बन सकता है। इसके बाद हमने देखा कि
दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया को किन इकतसादी चैलेंजेस का सामना था? हमने डिस्कस किया कि दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया को इकतसादी तनाजली का शिकार हो रहा था। बरतानिया कर्जे थे बरतानिया के ऊपर और कमी के मसाइल भी थे, तो इस तरह के यानी के हालात का सामना था बरतानिया को, जिसकी वजह से यानी उन्होंने अपने जो नौबादियाती यानी दौर था उसको खत्म करना चाहा। फिर बरतानिया ने ईसी में कब शमूलियत इख्तियार की थी? बरतानिया ने 1973 में ईसी में शमूलियत इख्तियार की थी। हमारा लास्ट पॉइंट था साद जंग के दौरान खारजा पॉलिसी का। इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि बरतानिया और अमेरिका के दरमियान जो स्पेशल रिलेशनशिप थे उनकी अहमियत क्या थी? बरतानिया और अमेरिका के दरमियान जो स्पेशल रिलेशनशिप थे उनकी अहमियत थी कि दोनों मालिक साद जंग के दौरान दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिज्म के फैलाव का मुकाबला करते रहे, क्योंकि जब बरतानिया ने देखा कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो उसने फिर मतलब कुछ कम्युनिटीज़ के जरिए और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बनाकर अपना दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ जैसे प्रोग्राम उसने बनाए, तो अमेरिका क्योंकि उस वक्त उभरती हुई ताकत थी, तो इसी वजह से बरतानिया ने अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशनशिप बिल्ड की ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस को फिर से बहाल कर सके। और 1957 में स्विस बहरान आया था, उसका नतीजा क्या निकला? हमने स्टडी किया कि 1956 में स्विस बहरान का नतीजा इस तरह से था कि बरतानिया, फ्रांस और इसराइल को बिना अक्वामी दबाव का सामना करना पड़ा और उन्हें स्विस कैनाल से निकलना पड़ा, जिसने बरतानिया की आलमी हैसियत को मुतासर किया। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि मलेशिया इमरजेंसी में बरतानिया की शमूलियत ने किस तरह उसकी साद जंग की पॉलिसियों को जाहिर किया? तो मलेशिया इमरजेंसी में बरतानिया की शमूलियत ने उसकी साद जंग की पॉलिसियों को जाहिर किया क्योंकि उस कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई में मदाखलत की और अपनी कॉलोनियों में इस्तेकाम बरकरार रखने की कोशिश की। लास्ट में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया उनमें यह था कि बरतानिया ने अपनी सल्तनत के जवाल के बाद अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह ढाला। तो बरतानिया ने अपनी सल्तनत के जवाल के बाद अपनी खारजा पॉलिसी को नए आलमी हकायक के मुताबिक ढाला था, खासतौर पर जब अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात थे और यूरोप इक्तिसादी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात, इनके ऊपर तवज्जो दी थी। साद जंग के ने बरतानिया के आलमी इन्फ्लुएंस पर किस तरह से असर डाला था? साद जंग ने बरतानिया के आलमी असर और रसूख को कमज़ोर किया, जिसके नतीजे में उसने अपनी खारजा पॉलिसी में नई जहतें शामिल की और उसकी आलमी हैसियत में कमी आई। फिर कॉमनवेल्थ का क्याम बरतानिया के बिन अक्वामी ताल्लुकात में तब्दीलियों की किन किन जहतों को जाहिर करता है? कॉमनवेल्थ का जो क्याम था वो बरतानिया के बिन अक्वामी ताल्लुकात में उसने तब्दीलियाँ की कि बरतानिया ने अपने सबका कॉलोनियों के साथ नए ताल्लुकात कायम किए, जमहूरियत और खुद मुख्तारी को फ़रोग दिया और आलमी बरादरी में अपनी हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश की। सो हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए ग्रेट बरतानिया और साद जंग। और सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इफ यू लाइक अ वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।